हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैंने की दाल पालक, मैंने अरहर की दाल ली जिसको कुकर में डाल के पानी डाल दिया और हल्दी पाउडर और नमक ऐड करके गैस पर रख दिया है। जब तक मैंने टमाटर, प्याज और पालक जिसको मैंने चॉप कर लिया था, एक आयरन की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल और देसी घी ऐड किया है। देसी घी से खुशबू भी अच्छी आती है। जब तक मैं प्याज कट कर लेती हूँ, कढ़ाई भी गर्म हो गई है, मैंने जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिए, टमाटर कट कर लेती हूँ। अब टमाटर ऐड कर दूंगी। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने। मैं इसको चलाकर पालक डाल दूंगी। पालक 5 मिनट में ही तैयार हो जाता है। मैं 5 मिनट के लिए इसको ढककर रख दूंगी। पालक मेरा 5 मिनट में बन जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं। मैं देखिए, पालक पक चुका है। अब ये हमारी दाल भी रेडी हो गई है। ये नॉर्मल दाल से एकदम डिफरेंट टेस्ट की होती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने ये गरम मसाला पाउडर ऐड किया और ये धनिया पाउडर। मैं इसे मिक्स करके एक बाउल में निकाल लूंगी। जिससे कि मैं इसके लिए छौंक तैयार कर लूं। मैंने बाउल में निकाल ली है। छौंक के लिए मैंने पैन रख दिया था और मैंने सिर्फ जीरा ऐड किया है और कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च। आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, हींग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं की थी।